हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल सर तमिल। तो आज का जो व्लॉग होगा उसमें मैं जो रेसिपी दिखाने वाली हूँ ये एक पायसम, मूंग दाल की पायसम हम लोग बनाते हैं। ये जब भी भगवान को कोई भोग हम लोग चढ़ाते हैं तो मीठे के लिए ये मूंग दाल की पायसम हम लोग बनाते हैं। बहुत ही टेस्टी और यमी होता है। तो मैंने एक कप मूंग दाल ले ली है, उसके लिए लगभग 5 से 6 कप मैंने पानी डालकर उसको सिर्फ एक सीटी के लिए हम लोग को छोड़ना है। और उसके बाद उसको अच्छी तरह से मिक्स करके उसको हम लोग और थोड़ी देर के लिए पकाते हैं। तो देखिए मूंग दाल अच्छी तरह से पक चुकी है, बस मैंने एक सीटी लगाई है। तो देखिएगा किस तरह से अच्छी तरह से गल गई है। तो पानी लगभग 1 कप के लिए मैंने 5 कप पानी डाल कर ही इसको सीटी लगाई, तब ये अच्छी तरह से पक चुकी है, गल गई है। और उसके बाद मैं लगभग 2 कप के लिए मैं पानी डालूँगी। और ये है गुड़, और मैं इस गुड़ को इसको हम लोग अच्छे वेलम करके कहते हैं, यही हम लोग डालते हैं। तो इसको अच्छी तरह से टुकड़ा टुकड़ा करके उसको पीसेस को हम लोग उसमें डालकर उसको पकाएंगे। लगभग 5 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि अच्छी तरह से ये गल जाए, जो गुड़ है अच्छी तरह से गल जाए। तो ये गुड़ उतना कलर नहीं डालता है। तो इसके बाद मैं और एक जो जागरी है वो मैं डालूँगी, जो केन शुगर कहते हैं ना उसको हम लोग, मैंने लगभग 2 हैंडफुल डाला है। क्योंकि ये देखिएगा कलर एकदम नहीं निकलता है, ये स्वीट होता है लेकिन कलर नहीं लाता है। तो उसका कलर लाने के लिए ये वाला मैंने डाला है, ये लगभग 2 हैंडफुल डाला है मैंने। तो डाल के इसको अच्छी तरह से हम लोग पकाएंगे। तो थोड़ा इसमें पानी ज़्यादा पड़ता है, तो बीच बीच में आप देखिएगा अगर ये थिक होते जा रहा है तो पानी थोड़ा थोड़ा डालते जाइए। तो देखिए मैंने इतना लगभग 10-12 ये क्या कहते हैं काजू लिए हैं, और उसको पीसेस पे तोड़ कर उसको घी में फ्राई कर लूँगी। और इस पायसम में डालने के लिए 3 इलायची मैंने ली है, उसको इसमें डालकर अच्छी तरह से इसको एक पाउडर में बना लूँगी। तो एकदम फाइन पाउडर इसका एक बना लूँगी क्योंकि इसको हम लोग वो पायसम में डालने वाले हैं। तो देखिए अच्छी तरह से पाउडर हो चुका है, अब इसको हम लोग वो पायसम में डालेंगे। तो उससे पहले इसमें दूध डालेंगे, दूध लगभग 2 टम्बलर मैंने दूध डाली है। और दूध डाल के उसको पकाएंगे, धीमी आंच में ही पकाना है, तेज आंच में पकाएंगे तो नीचे चिपक जाएगा। तो धीमी आंच में ही इसको 2-2 मिनट में इसको चलाते रहना है। तो मैंने जो काजू दिखाई है देखिए उसको मैं अच्छी तरह से इसमें घी में इसको थोड़ा फ्राई करके इसको मैं निकाल लूँगी। तो बहुत फ्राई नहीं करना, लाइट ब्राउन आने पर ही काफ़ी है, उसको निकाल लेंगे। तो उसके बाद वही घी में ये नारियल है मैंने ग्रेटेड करके हमेशा फ्रीज़र में रख लेती हूँ, तो इसीलिए मैं अभी हाथ से इसको निचोड़ रही हूँ क्योंकि सब एकदम थिक थिक एकदम लंप जैसे फॉर्म हो चुका है। तो इसलिए मैं इसको निचोड़ कर एकदम ब्रेक करके उसको अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। इसको भी मैं लगभग थोड़ा ब्राउनिश कलर आने तक फ्राई करूँगी। तो जब दूध अच्छी तरह से पक चुकी हो, मतलब कि इसमें डालने के बाद एक बॉयल आ चुकी हो, तब मैं ये जो ये इलायची है इलायची का पाउडर डालेंगे और इसको लगभग थोड़ा देखिए ये उबाल आने तक डालेंगे। अब इस स्टेज में हम लोग को ये काजू डालना है, तब हम इसमें जो नारियल हम लोग फ्राई करके रखे हैं उसको भी मैं डाल लूँगी। और लगभग हो चुका है, सब हो चुका है, इसका बस 1 से 2 मिनट के लिए धीमे आंच में ही इसको पकाऊँगी। और लास्टली मैं इसमें क्या डालूँगी कि एक तुलसी है, तुलसी का पत्ता मैं डालूँगी, लगभग 8 से 10 तुलसी का पत्ता डालूँगी। ये मैं भगवान के लिए चढ़ा रही हूँ इसलिए तुलसी का पत्ता डालूँगी। और एक बात है, इससे जो टेस्ट है वो भी एनहांस होता है, तुलसी का फ्लेवर उसमें चढ़ता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। तो दोनों रीज़न के लिए मैं इसको डालती हूँ। तो यही है हम लोग का पायसम। तो होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, और ज़रूर ये बताइएगा कैसा लगा। तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।